इंडस्ट्री की कई हस्तियों की जन्मस्थली रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान से रहा है परिवार का नाता। सपनों की नगरी बम्बई में लोग अपने सपनों को साकार करने आए थे। इनमें बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो हस्तियां भी शामिल हैं जो सफलता का दूसरा नाम साबित हुई। ऐसी कई हस्तियां पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। अगर हम सबसे पहले फिल्म उद्योग में सबसे पुराने परिवार के बारे में बात करते हैं तो कपूर परिवार का नाम सबसे पहले आता है। कपूर परिवार के मुखिया पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 में फैसलाबाद, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई तो किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वो जल्द ही बॉलीवुड में मशहूर हो गए। कपूर परिवार के बारे में आज कई पीढ़ियां जानती हैं और उनमें से ज्यादातर किसी न किसी रूप में फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हैं। साथ ही पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर के जन्म की बात करें तो उनका जन्म पेशावर में हुआ था। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का जन्म भी 1922 में पेशावर में हुआ था। इसके अलावा भी कई ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था लेकिन वे सभी बम्बई आ गए और यहीं बस गए। मनोज कुमार का जन्म इब्टाबाद में हुआ था। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। अभिनेता फिल्म निर्माता सुनील दत्त का जन्म 1929 में झेलम में हुआ था लेकिन भारत के विभाजन के बाद उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा। सुनील दत्त शुरू से ही भारत से जुड़े रहे और यही बात उनकी फिल्मों में भी देखने को मिली। बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ था। राजेश 5 साल की उम्र तक पाकिस्तान में रहे। उसके बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत में बस गया। राजेश खन्ना का घर फैसलाबाद के पास बोरवाला में रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के ही हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन की मां तेजा बच्चन का जन्म लायलपुर में हुआ था जिसे अब फैसलाबाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तेजी बच्चन के पिता का नाम सरदार खजाना सिंह था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी पाकिस्तान से रिश्ता रहा है। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लोक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।